ये एक आम तौर पे मतलब आम इम्प्रेशन ये है कि अमूमन ये फर्ज रहे हैं जैसे रसूलुल्लाह कलीम तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद उनकी खिलाफत शुरू हुई। खिलाफत के दौर भी काफ़ी कत्ल वारत का था और बेशुमार कत्ल ही कत्ल नजर आता है पूरी हिस्ट्री में। नहीं इतना नहीं है, मैं बताऊंगा। वैसे लगता यूँ ही ज़्यादा मौलवियों ने खुद उठाया हुआ इसको इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी लगता ही है कि जाते ही कत्ल वारत और खून की नदियाँ बह गई हैं। इट्स नॉट सो। रसूलुल्लाह का मतलब जिस्म मुबारक तो वहीं पड़ा रहा, उसके बाद खिलाफत की झगड़े शुरू हो गए और नमाज जनाजा भी मुल्तवी हुआ। मतलब ये सारे नहीं, ये दिस इज नॉट राइट। जनाजे के वक्त एक भी झगड़ा नहीं उठा, क्योंकि वो जो उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की वो ऐसी मैटर ऑफ फैक्ट थी कि झगड़े का सवाल ही नहीं था। वहाँ जो इंफॉर्मेशन फैली है आहिस्ता आहिस्ता, आजकल की तरह का तो क्विक मीडिया नहीं था ना कि फौरन खबर सारी दुनिया में फैल जाए और लोग पहुँच सकें। तो मक्के और मदीने के दरमियान 250 मील का फासला, कई दिन का फासला है। हुआ यह था कि जो ग्रुप पहुंचता था उस वक्त जो उनका लीडर था वो नमाज जनाजा पढ़ाता था और नमाज जनाजा हो जाती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक तदफीन नहीं हुई बेशुमार ग्रुप्स ने ग्रुप्स में जनाजा पढ़ा है। इज्तमाही जनाजा जिस तरह आजकल का तस्वीर है ना, कोई बड़ा लीडर फौत हो तो एक इज्तमाही जनाजा, वैसा नहीं हुआ। तो ये ख्याल के कोई झगड़ा हो जनाजे पर ये नहीं हुआ बिल्कुल। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर तो पूरा मदीने का पूरा इत्तेहाद था।